ये बात है 2011-12 की, जब मैं अपनी बाइक पे अपने घर वापस जा रहा था हाईवे से। तभी मुझे किसी ने बड़े पास आके पूछा कि यार तुमने बताया नहीं तुम्हारा पसंदीदा गाना कौन सा है। अब जैसे ही ये लफ्ज़ आया ना कि पसंदीदा गाना, तो मेरे जहन में कुछ लाइंस ऐसे ही आ गई, तो बिना कुछ नाम कहे वो लाइंस मेरे मुंह से निकल गई। वो कुछ ऐसी थी कि किनारे दूर होते होते बहुत दूर हो गए, पानी के छपाकों की आवाज़ भी डूब गई। दिल में ऐसे संभालते हैं गम जैसे जेवर संभालता है कोई, रूठ गए नाराज़ हो गए, उंगली से अंगूठी उतारी वापस कर दी, बाहों के कंगन उतारे और 7 फेरों समेत वापस लौटा दिए। पर वो जो एक जेवर जो दिल में बसाए रखा है, उसका क्या? मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, वो भिजवा दो। अब इतना कहा ना, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि यार ये गाना कभी सुना नहीं है मैंने। तो मैंने कहा हाँ, क्योंकि ये गाना नहीं है, ये तो गाने की असली कहानी है, और जो असली कहानी है ना, उसको सुनने के बाद ये गाना ज़्यादा जस्टिफाइड लगेगा तुम्हें। अब समझ लो कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई आया है, तुम उससे बेतहाशा प्यार करती हो, वो तुमसे बेतहाशा प्यार करता है, और सब कुछ ठीक चल रहा है। तुम दोनों उस वक्त में भी, जब समाज के इतने सारे बंधन हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसके बावजूद भी लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हो। अब वो सब कुछ ठीक चल रहा है, उसी में तुम्हें पता चलता है कि वो जो सामने वाला इंसान है वो थोड़ा सा क्रेजी है। मतलब पैशन है पर पजेशन बहुत है, यानी कि पजेसिव नेचर है। तो उसी की वजह से वो बारी बारी बुरा मान जाते हैं और घर छोड़ के चले जाते हैं। पर कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें तुम्हें मंजूर होती है, क्योंकि तुम्हें वो इंसान मंजूर होता है। एक दिन उस इंसान को कुछ ज़्यादा बुरा लग जाता है, तो वो तुमसे ज़्यादा दूर भाग जाते हैं। तुम उसकी ढूंढ में उसके पीछे भागते हो, पर वो तुम्हें मिलते ही नहीं है, तो तुम्हें उसके बिना अकेला महसूस होता है, और फिर तुम्हारी मन की तबीयत की वजह से तन की तबीयत भी बिगड़ जाती है। फिर तुम जाते हो गाँव, वहाँ पे अपनी माँ से मिलते हो। अब माँ जैसे ही तुमको देखती है ना, तो वो कहती है कि बेटा मैंने तुम्हारे लिए एक एक लड़की पसंद करके रखी है, जो बचपन से तुम्हारे लिए राह देख रही है। एंड ही इज़ लाइक ओ शी इज़ द सेम गर्ल कि जिसके साथ मैं बचपन में खेला था। अब लड़की बड़ी हो गई है, मैच्योर भी है, पढ़ी लिखी है, सब कुछ ठीक है। तो लड़का सोचता है कि इसको एक्चुअल सिचुएशन बताऊं, उसके बाद उसको बोलूं कि यार ये है, उसके बाद अगर तुम आगे बढ़ना चाहती हो तो बढ़ सकती हो। अब लड़का कहता है कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ, पर वो पता नहीं कहीं भाग गई है यार। तो लड़की बोले कि तुमको क्या चाहिए? तो बोले कि सच बताऊँ मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकता, तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि मैं उसके साथ रहूँ, थोड़ा सा उसका इंतज़ार कर लूँ। तो लड़की कहती है कोई बात नहीं, जहाँ पे तुम खुश मैं खुश, तुम जाओ अपनी गली, कोई बात नहीं, मैं माँ से कुछ और कह दूंगी। तो लड़का इसी आस में जाता है कि लड़की शायद, वो जो शहर वाली लड़की, वो वापस आ गई होगी, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं वापस आती, वो दूर 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 चली गई है, आने के कोई आसार नहीं है। सो लड़का न घर का न घाट का, और उसका दिल दुश्मन अनाज का। तो किया क्या जाए, वो वापस उसी लड़की के पास जाता है जो गांव में उसका इंतज़ार कर रही थी, फिर उसके साथ शादी करता है, फिर शहर में उसको लेके आता है, और फिर घर बसाता है। अब जब ये घर बसता है ना, तब वो जो गर्लफ्रेंड थी ना, उसने फ़ोन किया कि देखूं तो सही कि भाई साहब के क्या हाल है, कैसा है मेरे बिना, सब ठीक तो है? तो उसने फ़ोन लगाया, उसी वक्त उसकी बीवी ने फ़ोन उठाया, गांव वाली लड़की, उसने फ़ोन उठाया। तो लड़की समझ गई कि भाई इसने तो मूव ऑन कर लिया है। सो दिस इज़ द टाइम जब मेरी जो कुछ चीज़ें हैं जो इस लड़के के पास पड़ी है, उसको वापस लेनी पड़ेगी। वो होता है ना, जब ब्रेकअप होता है तो उसके बाद एक दूसरे को दी हुई चीज़ें हम वापस लेते हैं देते हैं, ऐसा होता है। मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ क्योंकि मटेरियलिस्टिक चीज़ें तो आज है कल नहीं है, पर उसके अंदर दबी पड़ी जो चीज़ें हैं ना, उसकी लेन देन आप नहीं कर सकते। पर उसी की लेन देन करने के लिए लड़की ने एक खत लिखा, और वही खत उस घर में पहुंच गया। अब वो खत उसकी बीवी के हाथ में आता है, वो इज रियली अंडरस्टैंडिंग। तो शी इज लाइक कि ये कुछ सामान मांग रही है, तो भिजवा दो। भाई साहब हाथ में खत लेते हैं और फिर पढ़ते हैं वो खत।
जिसमें लिखा हुआ होता है, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, सावन के कुछ भीगे भीगे से दिन रखे हैं और खत में लिपटी रात पड़ी है, वो रात बुझा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। पतझड़ में कुछ पत्तों के गिरने की आहट कानों में एक बार पहन के लौट आई थी, पतझड़ की वो शाख अभी तक कांप रही है, वो शाख गिरा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। फिर कुछ लम्हे याद आते हैं, तो एक अकेली छतरी में जब आधे आधे भीग रहे थे, आधे सूखे आधे गीले, सूखा तो मैं ले आई थी पर गीला मन शायद बिस्तर के पास पड़ा हो, वो भिजवा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। फिर चांद की बात आती है, गुलजार और चांद बात आएगी ही, 116 चांद की रातें, एक तुम्हारे कांधे का तिल, गीली मेहंदी की खुशबू, झूठ मूठ के शिकवे, झूठ मूठ के वादे, ये सब याद करा दो, ये सब भिजवा दो, मेरा वो सामान लौटा दो, एक इजाजत दे दो। आखिर में लड़की कहती है कि एक इजाजत दे दो, इन सब को मैं जब दफनाऊंगी ना, मैं भी वहीं सो जाऊंगी। मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, वो भिजवा दो, वो भिजवा।